नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज 27। रेल प्रशासन के द्वारा रेल कर्मियों पे कर्मचारी विरोधी नीति लाकर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एनएफ रेल एम्प्लॉय यूनियन के मंडल सचिव रुपेश कुमार ने बताया कि जहां न्यू पेंशन स्कीम के साथ साथ 4% महंगाई भत्ता में कटौती कर मनमाने ढंग से रेल कर्मियों के अधिकारों का हनन रेल प्रशासन के द्वारा खुलेआम किया जा रहा है, जिसे न्यू पेंशन स्कीम से रेल कर्मियों का भविष्य अंधेरे में है, वहीं 4% महंगाई भत्ता ना देने से कर्मियों को लाखों का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं जिन कर्मियों का 43,600 मूल वेतन है, उनको रात्रि भत्ता नहीं देने के साथ 1 जुलाई 2018 से दिए गए रात्रि भत्ते की उगाही करने का भी निर्णय रेल प्रशासन के द्वारा लिया गया, इससे कर्मियों को लाखों का नुकसान हुआ है। मंडल सचिव रुपेश कुमार ने आगे बताया कि रात्रि ड्यूटी के एवज में ये भत्ता रेल कर्मियों को दिया जाता है, जो कि उनका हक है। अगर यह निर्णय रेल प्रशासन वापस नहीं लेती है तो रेल कर्मी रात्रि में अपनी ड्यूटी नहीं करने को बाध्य हैं। यदि न्यू पेंशन स्कीम को रेल से नहीं हटाया गया और 4% महंगाई भत्ते के साथ रात्रि भत्ता भुगतान देने के लिए प्रशासन गंभीर ना हुई तो एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन आने वाले दिनों में रेल कर्मियों की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन करने पर विवश होगा। इन्हीं कारणों को लेकर सोमवार को रेल कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनियन के कातिल अहमद, इंदल राय एवं कई लोग उपस्थित थे।